गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडे से लटकते हुए दिखाई दिए एक वार्ड सदस्य। हालांकि ये लहजा मजाक किया है, लेकिन तिरंगे राष्ट्रगान और उसकी मर्यादा के साथ मजाक शोभा नहीं देता है। जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये व्यक्ति झंडा फहरा रहे हैं, और ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं, ये पूर्वी चंपारण के चैनपटिया प्रखंड के रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के सदस्य मनोज पटेल हैं। सर जी, खाली पैर झंडा फहरा रहे हैं, चलिए ठीक है, थोड़े समय के लिए इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये झंडा फहराने में अलबला गए हैं और अलबलाते हुए तिरंगे को आसमान से जमीन तक ले आए हैं, ये बिल्कुल ही अमर्यादित और अशोभनीय है। और जैसे ही महाशय से नजर थोड़ी सी हटती है और वहां खड़े उनके समर्थकों पर जाती है, तो कुछ लोग राष्ट्रगान गाते हुए मस्ती में झूमते हुए दिखाई देते हैं। हमने तो आज तक यही सीखा था कि राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होने चाहिए, तो वहीं कुछ लोग तो खैनी बनाते हुए तक दिखाई देते हैं। जिस तरह से एक तरफ वार्ड सचिवों का एक तबका आए दिन संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे वीडियोस का सामने आना थोड़ा अटपटा लगता है। आप भी एक बार पूरी वीडियो देखिए। भारत भाग्य विधाता सिंध गुजरात हम कहता नहीं हिमाचल जमुना गंगा कुशल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे ऐठा गेल बा आराम से भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय भीमराव अंबेडकर की जय भारत जय सब सर इसमें बोलिए गणतंत्र दिवस पर कुछ कहिए बच्चा लोग परम आदरणीय उपस्थित सज्जनों बच्चों तथा प्रबुद्ध वर्ग के ग्रामीण वासियों अपार खुशी की बात है आज हमारा देश उल्लास से सराबोर है। हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज यहाँ 200 वर्ष शासन किए, मुगल वंश 500 वर्ष शासन किया, इस तरह 700-800 वर्ष कौन कहे, हजार वर्ष हम दुनिया के आतंकियों के चंगुल में रह करके गुलाम रहे। आज हमारा देश स्वतंत्र है। स्वतंत्र देश का एक अपना अलग झंडा होता है। दुनिया का हर झंडा, दुनिया के जितने भी देश हैं सबका अपना अलग झंडा होता है। हमारे तिरंगा झंडे का भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इस झंडे को बरकरार रखने के लिए हमारे गांव के किसान, वकील, मास्टर, डॉक्टर, विद्यार्थी सभी लोगों ने अंग्रेजों के गोली खा करके इस झंडे को फहराया। लाखों अनाम लोगों ने माँ बेटी बहनों का सिंदूर धूला। कुर्बानियों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। गुलामी के इस एवज में स्वतंत्र भारत का एक अलग झंडा है। इस झंडे को हम आजादी के रूप में फहराते हैं। हमारे देश में सभी मजहबों का एक अलग पर्व है। उस पर्व को छोड़ करके हमारे देश का भी एक पर्व है जिसे हम राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये झंडा